मित्रों नमस्कार, ये कहानी मेरी जुबानी में आप सबका स्वागत है। मित्रों, कहानियों की श्रृंखला में मैं विवेक आज आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी, जिसका शीर्षक है अपराधी। मित्रों, ये कहानी आप पूरा सुने और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे ऐसी ही मनोरंजक कहानियां आपको सबसे पहले मिले। लीजिए, प्रस्तुत है कहानी अपराधी। वनस्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पदार्पण किया और वे चमक उठी। देखा तो कोमल किसले और कुसुमों की पंखुड़ियां बसंत पवन के पैरों के समान हिल रही थीं। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गईं। बसंत का प्रभात था। युति कामिनी मालिन का काम करती थी, उसे और कोई न था। वह इस कुसुम कानन से फूल चुन ले जाती और माला बनाकर बेचती। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता, पर वह यह काम न छोड़। आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई अर्धविकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे हुए फंदे देकर माला बना रही थी। भावर आए, गुनगुनाकर चले गए। बसंत के दूतों का संदेश उसने ना सुना। मलय पवन अंचल उड़ाकर रूखी लटों को बिखराकर हट गया। मालिन बेसुध थी। वह फंदा बनाती जाती थी और फूलों को फंसाती जाती थी। द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वह अपने फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर ही से देखा, समझ गए कि वह युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन। क्या तुम माला बनाकर बेचती हो? हाँ। यहां का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं नहीं, यहां कोई रक्षक नहीं है। आज तुमने कौन सी माला बनाई है? यही कामिनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। वाह, अच्छा तो तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौटकर उसे लूंगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा। मैं शीघ्र आऊंगा। ये कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली। राजकुमार लौटकर नहीं आए। तब उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे। युवती बहुत दूर ना गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर आए। मालिन को ना देखकर पुकारने लगे, मालिन, ओ मालिन। दूरागत कोकिल की पुकार सा वह स्वर उसके कान में पड़ा था। वह लौट आई। हाथों में कामिनी की माला लिए वह वन लक्ष्मी के समान लौटी। राजकुमार उसी दिन सौंदर्य को सुकुतूहल देख रहे थे। कामिनी ने माला गले में पहना दी। राजकुमार अपना कौशेय उषड़ीश खोलकर मालिन के ऊपर फेंक दिया, कहा, जाओ इसे पहन कराओ। आश्चर्य और भय से लताओं की झुरमुट में जाकर उसने आज्ञानुसार कौशेय वसन पहना। बाहर आई तो उज्जवल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थीं। राजकुमार मुस्कुराए और कहा, आज से तुम इस कुसुम कानन की वनपालिका हुई हो, स्मरण रखना। राजकुमार चले गए। मालिन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गई। बसंत बीत गया, गर्मी जलाकर चली गई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में और शस्य शोभा धरणी पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थीं। वन पालिका के चारों ओर मयूर घेर कर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था। रजनी आई, वन पालिका के कुटीर को तम ने घेर लिया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। युवती प्रकृति का मद विहल लास्य था। वन पालिका पंड कुटीर के वातायन से चकित होकर देख रही थी। सहसा बाहर कंपित कंठ से शब्द हुआ, आश्रय चाहिए।
वन पालिका ने कहा, तुम कौन हो? एक अपराधी। तब यहां स्थान नहीं है। विचार कर उत्तर दो, कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो। वन पालिका विचारने लगी। बाहर से फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। वन पालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वह एक बलिष्ठ युवक था, साहस उसकी मुखाकृति थी। वन पालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? बड़ा भारी अपराध है, प्रभात होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दो। ये कहकर आगंतुक अपना आद्र वस्त्र निचोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत और वदन नीरस था। अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट बना दिया था। युवती वन पालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह त्रस्त हो गई, बोली, अपराधी यह क्या? अपराधी हूं सुंदरी। अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पर्णकुटी को घेर कर अपनी हंसी में फूटी पड़ती थी। वह कर स्पर्श उन्मादकारी था। कामनी की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था। युवक के स्वर में परिचय था, परंतु युवती की वासना के कुतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर कर्कापात के साथ ही बिजली कड़की। वन पालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया। अंधकार हंसने लगा। बहुत दिन बीत गए, कितने ही बरस आए और चले गए। वह कुसुम कानन जिसमें मोर शुक और पिक फूलों से लदी झाड़ियों में बिहार करते थे, अब वह एक जंगल हो गया। अब राजकुमार वहां नहीं आते थे, अब वह स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए, विशालकाय वृक्षों ने अपनी शाखाओं से जकड़ लिया। उस गहन वन में एक कोने में पर्णकुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते, उसी से उनका जीवन निर्वाह होता। पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथ वह बालक बेचा करता। कभी कभी मृग शावक भी पकड़ ले आता। एक दिन वन पालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटियां थीं। वह दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था। उसके रक्षक साथ थे। राजपुत्र मचल गया, किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देकर उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया। वह छलांग भरता हुआ निकल गया। राजपुत्र अत्यंत हटी था, वह रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया। वे उसे राज मंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आंधी सी आ गई। रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिए के लड़के को बेंतों से पीटे जाने की आज्ञा दी। किशोर ने बिना रोए चिल्लाए और आंसू बहाए बेंतों की चोट सहन की। उसका सारा अंग छत बिछत था, पीड़ा से चल नहीं सकता था। मृगया से लौटते हुए राजा ने देखा, एक बार दया तो आई, परंतु उसका कोई उपयोग न हुआ। रानी की आज्ञा थी। वन पालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया। अपने आंसुओं से घाव धोती हुई उसने कहा, आह, वे कितने निर्दयी हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृगया की शिक्षा के लिए, लक्ष्य साधने के लिए वही नगरोपकंठ का वन स्थिर हुआ। वहां राजपुत्र हिरणों पर, पक्षियों पर तीर चलाता। वन पालिका को अब फिर कुछ लाभ होने लगा। हिरणों को हाँकने से, पक्षियों का पता बताने से कुछ मिल जाता है। परंतु उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृगया में भाग न लेता। एक दिन बसंत की उजली धूप में राजा अपने राजपुत्र की मृगया परीक्षा लेने के लिए 16 बरस बाद उस जंगल में आए। राजा का मुंह एक बार विवर्ण हो गया। उस कुसुम कानन के सभी सुकुमार पौधे सूख कर लोप हो गए हैं। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं दो एक अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश करते थे। राजा स्वप्न के समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे।
अहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसके समवयस्क जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। कुरंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को भेदकर राजपुत्र की छाती में घुस गया। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका राजा के आने का समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामिनी कुसुम नहीं थे। उसने मधुक और दुर्वा की सुंदर माला बनाई, यही उसे मिले थे। राजा क्रोध से उन्मत्त थे। प्रतिहिंसा से कड़क कर बोले, मारो। बधिकों के तीर छूटे। वह कमनीय कलेवर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वनपालिका राजा के सामने पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी थी, तब कामिनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल सी उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में बैठा लिया। उसकी निश्चित आंखें मौन भाषा में जैसे माँ माँ कह रही थीं। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखों से एक बार राजा की ओर देखा और भी देखा राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गए, जैसे वह कहां से कहां चले आए। राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुल्ले के समान बह गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया। एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कौशेय उसड़ीश। वनपालिका, राजा। कामनी की आंखों में आंसू नहीं थे। राजा ने पूछा, यह कौन था? गंभीर स्वर में सर नीचा किए हुए वनपालिका ने कहा, अपराधी। मित्रों, ये थी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी कहानी अपराधी। मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी पसंद आई है। दोस्तों, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।